सूर्य ग्रहण को लेकर देश भर के विभिन्न मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं राजधानी पटना में कई मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं तो कई मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। कुछ मंदिरों में पट खुले हैं लेकिन पूजा पाठ पर मनाही है, लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किसी प्रकार की पूजा नहीं होती है। सूर्य ग्रहण शाम 4:26 से शुरू होकर और करीब 6 तक रहेगा। राजधानी पटना के सूर्य मंदिर के उमा बाबा ने बताया, देखिए प्रकृति का दिन है, ग्रहण लगता है तो उसमें दोष होता है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ग्रह का दोष मिटाने के लिए पूजा पाठ लोग बंद करता है। किया हुआ कर्म के तो फल देवता या भगवान या मनुष्य सबके ही भोगने पड़ता है ना, तो इसलिए के सूर्य ग्रहण है 4:26 से ग्रहण है, 6 समाप्ति होगा। जो सनातन धर्म को मानता है परंपरा हिंदू रीति से तो उसको निवाहन करेगा, और जो नहीं मानता है तो उसको लिए अरहन ग्रहण कुछ भी नहीं है। हम लोग मानते हैं, देखिए हम सवेरे से मंदिर नहीं आए थे, मंदिर हमारा बंद था। अभी फोन किया कि आप मंदिर खुल गया है आइए, तो हम सोचे कि हम आवास पर जो पड़ रहेंगे वो भगवान के पास पड़ रहेंगे। पूजा पाठ हम लोग के सांझ के ही अब होगा, धो बाहर साफ सुथरा करके भगवान के आरती पूजा। यहाँ तो सूर्य भगवान का मंदिर है और सब देवता देवी का मंदिर है, इसलिए के सांझ का ही पूजा का मनावता रहेगा। बंद रहता है ये पूजा पाठ, अभी नया पर्दा जो आया है से लगा नहीं है, इसलिए के पट खुला हुआ रहता है। पट पर्दा लग जाएगा तो पट बंद हो जाएगा। आज ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? सनातन कुछ ग्रहण के समय में ना स्नान करना है, नहीं भोजन करना है, सूर्य नारायण का जाप करना है, पूजा करना है, सूर्य भगवान की आराधना करना है कि भगवान की भी रक्षा हो और भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो कि मनुष्य प्राणी का भी कल्याण हो, रक्षा हो, ग्रह से बचे। ये सब तो कोई पूजा नहीं होना चाहिए, पट खुला है उससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बाबा नाम आपका? हमारा नाम महंत बाबा उमा दास हैं, ये मंदिर का तारा मंदिर आर बोलो पटना। सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग ग्रहण के दौरान कोई भी कार्य पूजा अर्चना खान पान नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कष्ट में होते हैं तो हम सब उस समय कोई कार्य नहीं करते हैं। सिटी पोस्ट लाइव के लिए पटना से मनीष की रिपोर्ट।